हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए टॉप 25 एमसीक्यू लेकर के इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम लोग आज हाजिर हैं। आज ये इंग्लिश में टाइप्ड है। चलिए, कुछ लोगों का डिमांड था कि हिंदी में सर कुछ वर्ड समझ में नहीं आते, तो इंग्लिश में हम लेकर के आए हैं। चलिए, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ एंड विड्थ ऑफ द एरो हेड? ऑफ एरो हेड क्लियर है, आपको बताया जा चुका है एरो हेड के बारे में। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए बी सी डी है, तो मैंने आपको बताया था इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर और स्फेयर इज डिनोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन? अब एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के एक्सिस किससे करते हैं? सेक्शन लाइन से, सेंटर लाइन से, हिडन लाइन से या लीडर लाइन से? सही ऑप्शन ऑप्शन बी, सेंटर लाइन, बिल्कुल सही। विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज टू ज्वाइन द डायमेंशन लाइन एंड द कर्व दैट नीड्स टू बी डायमेंशन? लीडर लाइन, आउट लाइन, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। कर्व स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं हम? लीडर लाइन। नेक्स्ट, विच लाइन टाइप इज थिक एंड ब्लैक? विजिबल, सेंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑल ऑफ द अबव? सही जवाब, विजिबल लाइन। नेक्स्ट, विच लाइन टाइप इज थिन एंड लाइट? सही ऑप्शन कंस्ट्रक्शन लाइन, सही ऑप्शन कंस्ट्रक्शन लाइन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लाइन इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशंस? ब्रेक, फैंटम, एक्सटेंशन, कटिंग प्लेन लाइन? सही ऑप्शन फैंटम लाइन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग स्केल? ये तो आपको क्लियर है, रिड्यूस मतलब छोटा दिखाना है। सही ऑप्शन बी। देखिए, एक 1/5 है, 1:5। नेक्स्ट, द टू वे ऑफ ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आर? बताइए, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ? सही ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, गुड। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन लाइन कैसा होता है? कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होता है, चेन थिन लाइन होता है, डैश लाइन होता है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, विजिबल आउटलाइन और एज इज कैसा होता है? कंटिन्यूअस एंड थिक। नेक्स्ट, द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लाइंस आर कैसा होता है टू इच अदर? प्रोजेक्शन लाइन कैसा होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, द फ्रंट व्यू ऑफ अ क्यूब व्हेन रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स फेस एंड वन अदर फेस इज पैरेलल टू वीपी इज? स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा और ट्रायंगल होगा, क्या होगा? सही ऑप्शन ऑप्शन ए, स्क्वायर। नेक्स्ट, द एंगल विच वी कांट बी मेड यूजिंग अ सिंगल सेट स्क्वायर, किस एंगल पर? ये देखिए, डिग्री है, जीरो नहीं है, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 75 डिग्री। कांट बी मेड, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, 75 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट साइज ऑफ 210 mm एंड 297 mm इन ड्रॉइंग? आपको पता है इसके मतलब, बोल रहा है कि नेक्स्ट साइज, इसका अगला साइज क्या होगा? ये फोर साइज है, आपको पता है इसके बाद? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कौन सा यूज करते हैं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए अगर बात करें, वैसे मिनी ड्राफ्टर भी करते हैं, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करें तो टी स्क्वायर करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू ड्रॉ एक्यूरेट परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइंस एंड एंगुलर लाइंस? बिल्कुल सही जवाब, इसके लिए आप
मिनी ड्राफ्टर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर ड्राइंग सर्कल, सर्कल के लिए क्या करते हैं आप? फ्रेंच, बिल्कुल सही, फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट, फॉर मार्किंग एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, कंपास, फ्रेंच कर्व? सही ऑप्शन है, फॉर मार्किंग एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज, एंगल मार्क करने के लिए फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट, द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक इज, टाइटल ब्लॉक का साइज क्या होता है? ये तो आपको पहले से पता है, ऑप्शन, सॉरी प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसका सही आंसर है प्रोटेक्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक आपको पता है 65 होता है और 185 होता है, तो लेंथ और विड्थ देते हैं, तो पहले लेंथ देंगे 185 और 65। नेक्स्ट, ड्राइंग पेंसिल आर साइड ऑफ द ड्राइंग, इसका सही ऑप्शन है ए, प्रीवियस का सही ऑप्शन था बी, सॉरी। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अब आप लोग पेपर दीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।